अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल होम एंड किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चने की दाल विद मूंग और मसूर की दाल। मूंग और मसूर की दाल धुली हुई है और साथ चने की दाल है, जो कि मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले ये भिगो दी थी पानी में। ये भिगी हुई दाल है, ये देखें। चने की दाल 2 कप है, जो मूंग की दाल है धुली हुई वो आधा कप और मसूर की दाल भी आधा कप है। इसमें इसके साथ साथ ये प्याज है एक दरमियाने साइज़ का, जो कि मैंने बारीक काट के रख लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, छोटे साइज़ का टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं 3-4 अदद। उसके अलावा इसमें जाएगा 2 टीस्पून सुरख मिर्च, नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, खुश्क धनिया 1/2 टीस्पून, उसके अलावा गर्म मसाला 1 टीस्पून एंड सब्ज़ धनिया 2 टेबल स्पून। ये दोनों चीज़ें एंड पे डलेंगी, इसलिए इन दोनों को मैंने अलग से रख दिया है। अब सबसे पहले और कुकिंग ऑयल इसमें डलेगा 1/2 कप कुकिंग ऑयल डलेगा। अब सबसे पहले हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं। ये देखिए, कुकिंग ऑयल डाल के हमने नीचे फ्लेम जो है वो तेज़ किया है, ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तेज़ आंच पे हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। हमारा प्याज में से जब गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर हम इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्चें, जो कुछ हमने काटा हुआ है सब कुछ डाल देंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम साथ लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। 2 मिनट तक इन्हें प्याज के साथ भूनने के बाद इसके अंदर हम ये सारे मसाला जार, नमक, मिर्च, हल्दी, कुछ धनिया और ज़ीरा सब कुछ डाल देंगे। एक मिनट तक हम ये भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसे 3 से 4 मिनट तक इस मसाले को भूनेंगे हम अच्छे से। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, तो ये दालें ऐड कर देंगे सारे के सारे, 2 मिनट भो के रखी हुई थी। अब इन दालों को भी इसके अंदर 5 से 7 मिनट हम अच्छे से इस मसाले के अंदर भूनेंगे। बस जितनी अच्छी इसकी बनाई होगी उतना ही अच्छा इस दाल का टेस्ट आएगा। इसे 5 से 7 मिनट भूनते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। दालों की भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो रहे हैं और आपको लगे कि नीचे लग रही है, उसमें हल्का सा पानी डालते जाना है लाइट लाइट का और इसे भूनते जाना। बस बुनाई ही इसका असल काम है, जितनी अच्छे से बुनेंगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह हमारी दाल बन चुकी है। अब हम इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसे प्रेशर को बंद कर देंगे। फिर वेट के घूमने का इंतज़ाम करेंगे। जैसे ही वेट घूमेगा, उसके 7 मिनट के बाद हम प्रेशर को खोल देंगे। उनका वेट उठा के उसे खोल देंगे। सब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, 4 गिलास पानी ऐड करने हैं। देखें, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है, मुझे 4 गिलास पानी ज़्यादा लग रहा था। आप चाहें तो इसमें हंसली जायका जितना आपको जैसी दाल पसंद हो, पतली या शोरबे वाली या ठीक जैसी भी, उसके मुताबिक का पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे बंद करने लगी हूँ। देखिए, मैंने प्रेशर का जो ढक्कन है वो बंद कर दिया है, फ्लेम नीचे इसके तेज़ है। अब हम इसके सीटी के बोलने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही सीटी बोलना शुरू कर देगी तो उसके 7 से 8 मिनट के बाद हम प्रेशर को इसका वेट रिमूव करके खोल देंगे। इस वेट को घूमते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और वेट को रिमूव करेंगे।
देखें ये दाल कितनी अच्छे से पक चुकी है, ये बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। देखें गल चुकी बिल्कुल, देखिए इसकी लुक देखने की अच्छी आ रही है। अब इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया और ये गरम मसाला जो था जो कि हमने रखा हुआ था ये ऐड कर दिए, गरम मसाला भी। और लीजिए ये हमारी दाल जो सी है ये पक के तैयार हो गई है, इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है और जायका भी बहुत मज़े का होगा। और इस दाल की जो मेन चीज़ थी वो ये थी, इस वक्त इसकी बुनाई, इसे भूनना आपने बहुत अच्छे से है, उसके बाद इसका जो बहुत अच्छा जो टेस्ट है वो डेवलप होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।